देखेंगे। यानिस का क्या नाम है? अपना नाम खुद ही इसने रखा हुआ छोटा पैकेट बड़ा धमाका। देखे डरता भी नहीं है, ना जानवरों से डरता है और ना इससे सैंडी से डर रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी एकदम फिट है। तो जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। तो आज का व्लॉग जल्दी से करते हैं शुरू। तो आज का व्लॉग कुछ सीन ऐसा है कि छोटा व्लॉगर है जो ये जो हो गया नाराज़, तो कह रहा है मैंने घोड़ी पर जो वो झूला लेना है, तो नाराज़ हो गया था। तो अभी फरकान भाई जो है वो कड़ियाला डाल रहे हैं घोड़ी को और इन दोनों को जो है वो झूला देंगे। तो चलो फिर आप लोग दोनों तैयार हैं झूला लेने के लिए? जी। तो फरकान भाई ने कड़ियाला डाल दिया, वागें डाल रहे हैं और ये दोनों जो है ना एहान जो है वो नाराज़ हो गया था, कह रहे थे मुझे घोड़ी पर झूला दो ही दो। अभी जो है वो चारा लेके आए हैं और अभी फिर घोड़ी को पानी छानी पिलाया, तो अभी एहान को बिठाते हैं ऊपर झूला वगैरह देते हैं, क्योंकि कल से पीछे लगा हुआ है कि झूला दो झूला दो। कल तो आपको पता है बारिश हो रही थी, कीचड़ था, इस वजह से जो अभी फिर जो एहान को झूला देते हैं। ये देखिए छोटा है पर डरता नहीं है भैंसों से। और एहान को भी व्लॉग बनाने का बहुत शौक है, कह रहा है कि मैंने घोड़ी पर बैठ के ना अपनी साथ वीडियो भी बनानी है। वो तो बनाओगे वीडियो मोबाइल पकड़ के? है नहीं बनाओगे? मैंने अपना चैनल बनाना है। टेक्नो व्लॉग मैंने अपना जो वो नया चैनल बनाना है, आप इन सब भाइयों को कह दें कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें टेक्नो व्लॉग के नाम से। लेकिन अभी तक चैनल इसने बनाया नहीं है क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे, वो कहते हैं पहले पढ़ो और फिर जो पहले स्टडी करो फिर बाद में चैनल बनाना। लेकिन पीछे पड़ा हुआ है कि चैनल बना के दो, लेकिन अभी तक इसका कोई चैनल बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप थोड़ा सा पढ़ लो ना, जब पढ़ लो कि फिर जो पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी फिर चैनल बनाना। ठीक है, थोड़े से दो चार क्लासें पढ़ लो ना तो फिर आप चैनल बनाना। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप बैठ के जो घोड़ी पे वो झूला लो। एक तो चलो अयान और अलियान दोनों बैठो ऊपर, बैठ जाओ, बैठ, शाबाश, आराम से। आप ही फाड़ के बाहर देखे, वो छोटा है वो दादा जो तेज है, कह रहा फटाफट बिठाओ बस मुझे उसके ऊपर। काठी इसलिए नहीं डाली क्योंकि फिर काठी डालते टाइम बहुत ज़्यादा हो जाना था, आराम से से बैठ के झूला लेंगे। काठी पे भी एक ही बंदा बैठ सकता है, ये दो आराम से बैठेंगे। अलियान अगे बाहर छड़ हैं, कले कले नु पाने। तो फरकान भाई जो वो साथ बैठ रहे हैं ताकि गिर ना जाए। आप अगली बारी पे बैठ जाना, ठीक है, आराम से। दरवाजा जो है वो खोल दिया मैंने, आ जाओ जी। ये क्या डर तो नहीं लग रहा है? मुंह से तो ऐसे ही लग रहा है कि डर लग रहा है। एक लंबे रूट थे जिधर इसका घर बन रहा है ना, वहां तक इसको झूला दे के आओ। अभी मैं मोबाइल फुरकान भाई को देता हूँ, वो घोड़ी के ऊपर बैठ के ना, घोड़ी के ऊपर से बैठ के तो साथ व्लॉग जो आ गया बनाएंगे। इसको अपने घर जहाँ इसका बन रहा है वो दिखा के लाओ घोड़ी के ऊपर और साथ झूला दे। जी आप देख सकते हैं जी, एहान जो है उसकी फरमाइश पे छोटा व्लॉगर जो है, तो डर तो नहीं लग रहा? चलो चलाओ। तेज भगानी है क्या आस्ता? और ये देखें छोटा व्लॉगर बड़े ही खूबसूरत अंदाज से घोड़ी, पहले इसको इसके मामू के घर जो मामू के घर बन रहे हैं उधर हम ऊपर लेके जा रहे हैं। चल बिला बच्चे नु खुश कर दे। देखें ये मामू ये दरतियाँ उठाती है, दरतियाँ उठाती है, सॉरी टांगे। ये देखें ये मज़ा आ रहा है बहुत। और इसके ये छोटा भाई है अलियान, वो देखे सामने, वो उससे भी तेज है, वो कह रहा मुझे पहले बिठाएं इसको बाद में बिठाएं। और अभी इसका जो अलियान पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, अयान का जो घर नया बन रहा है उधर जा रहे हैं हम। घोड़ी स्लिप हो रही है नीचे कीचड़, बारिश तीन चार दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है, तो आराम आराम से घोड़ी भी जा रही है। ये देखें जी अभी
अयान की भी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गया है। काफ़ी पिछली दफ़ा भी आया था छुट्टियों में, तो इसने हमें कहा था मामू मुझे भी जो है ना बिठाएं, तो आज ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये सामने है अयान का जो है न्यू घर बन रहा है और हम उधर ही जा रहे हैं अभी। चल बिलो तोड़ घर तक जाएंगे ना आपके, आपका घर दिखा के लाएंगे बिलो। आगे ईंटे पड़ी हैं। ईंटे हैं तो क्या, पास तो जाएगी। चलो बिलो कह रही है अब मैंने वापस जाना है, तो वापस थोड़ी ये तेज जाती है यान, ठीक है घबराना नहीं है आपने। राम ना गिरना जाए। हाँ जी यान मजा आ रहा, फिर बहुत मजा आया। चलो उतर जाओ, ओ पीछे हो जाओ, चलो उतर जाओ नीचे, उतर जाओ। अब आपने भी बैठना है, हैं गिर जाओगे, बैठने ऊपर। चलो यान भी पाओ उसे डेरे तक ले आए। अब अयान ने तो झूला ले लिया, अब अलियान की बारी है। चलो पीछे घोड़ी के पीछे ना, तो अलियान को बैठाते हैं। मैं फुरकान भी नीचे उतर गए थे, आगे से पकड़ा है फुरकान भी ऊपर बैठते हैं, और अब जो अलियान को बैठा, चलो अलियान को बैठाओ, छाड़ दो, पकड़ाओ अलियान को ऊपर भाई मामू को। ओए ओदा कपड़ा है जणा, ये लगामा छड्डो, पकड़ाओ। चलो अलियान भी बैठ, बहुत चुपती हैं, चुपती हैं। हाँ हड्डियाँ चुपती हैं ना, घोड़सवारी करना कोई आसान काम है। चलो इनू मठा मठा ही जरा ना आस्ते आस्ते ले। हाँ अलियान वाह, चलो जी आगे का ब्लॉग जो है वो ये छोटा ब्लॉगर बनाएगा। तो जी अभी मैंने पकड़ लिया, और ये अलियान और मेरे मामू जा रहे हैं घोड़े की सवारी करने। देखे जी अलियान और अयान और अलियान दोनों ने घोड़सवारी का मजा लिया। अलियान मजा आ रहा है, ये देखें अलियान लगा, ये देखें मारो नहीं बड़ी तेज जाएगी, मारो नहीं। ये देखा अभी ये अलियान जा रहा है, खुद ही लगाम पकड़ गए। छोटा इसका नाम छोटा बैकेट बड़ा धमाका होना चाहिए है छोटा, लेकिन जो इसकी शरारती है ना हद से ज्यादा तंग करती है। और ये देखें ये भगा के ले गए हैं इसे, और ये जा रहे हैं बिना डर। चलो बताओ देखो मोबाइल कहाँ पे लेके जा रहे हो, पूछो अलियान को कितना मजा आया। अलियान कितना मजा आया, कितना मजा आया, कल चलो अलियान को बताओ। अभी मामू जा रहे हैं और तो ये देख ये देखे कहाँ भगा कल, बार बार ये भगा लेते हैं। ये देखे वो देखे कैसी जा रही है, दिखाओ जी। कैसा लगा आपको छोटे व्लॉगर का व्लॉग जो इसने बनाया, अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो कमेंट करके लाजमी बताएं कि छोटे व्लॉगर को अपना चैनल बनाना चाहिए अभी कि नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाएं तो किस नाम से अपना चैनल जो वो बनाएं। और अभी फ़िलहाल आपको बताएं कि इसका जो आप व्लॉग आपको कैसा लगा। कि सैंडी भी कल, आपको पता है कल पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा सैंडी की तबीयत जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन कल से इसकी तबीयत जो है काफ़ी बेहतर हो गया, कल से दूध भी पीना शुरू हो गया और तबीयत काफ़ी ज़्यादा देखें भाग रहा है।
घोड़ी के साथ साथ भाग रहा है। कल तो जो वो बैठ गया था, सारा दिन बैठ ही गया था, ना कुछ खा रहा था और ना कुछ पी रहा था, ना रोटी खाई ना दूध पिया था। लेकिन फिर शाम को और सुबह इसने दूध काफ़ी पिया और अभी जो ठीक रहा, ठीक हो गया, भाग रहा काफ़ी। और कल सारा दिन बस कमरे में बैठा रहा, बैठा रहा, और अभी जो है वो काफ़ी ठीक है, हैं? अच्छा हो गया जी। फुरकान भाई घोड़ी भगाते भगाते जो वो गिर गए हैं, वो क्योंकि जो नया मकान भर रहा है अन लोगों का, वहाँ पे सरिये जो बाहर निकले हुए हैं, तो घोड़ी एकदम भागते भागते उन सरियों के साथ टकराने लगी थी। फुरकान भाई ने एकदम से ऊपर से छलांग मार दी। शुक्र नीचे जो जगह थी वो कच्ची थी और इस वजह से कोई चोट शोट नहीं आई। बाकी घोड़ी को देखते हैं, कुछ सरिया वगैरह मतलब लगा तो नहीं है। फिर ऊपर बैठ गए हैं, ये सरिये थे एकदम, यहाँ से भागते भागते आए हैं और एकदम से ये सरिये आगे आ गए थे। और फिर फुरकान भाई ने देख लें आप, ये खुर के निशान भी हैं, तो यहाँ पे घोड़ी एकदम टकराई है। फुरकान भाई ने एकदम छलांग मार दी है और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो बचत हो गई है फिलहाल। फिर फुरकान भाई घोड़ी के ऊपर चढ़ गए और फिर भगाने लग पड़े। सैंडी को देख सकते हैं आप, इसका कमजोर कितना हो गया, लेकिन ठीक है, पहले से जो काफी बेहतर है। देखिए भाग रहा है, जो फन रखा, देखिए जी ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, क्या यहाँ इसका क्या नाम है, अपना नाम खुद इसने रखा हुआ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। देखे डरता भी नहीं है, ना जानवरों से डरता है और ना इसे सैंडी से डर रहा है। इसे पता है ये बीमार है, इसलिए डर रहा है। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, काटेगा, छोड़ दो अलियान, ना पकड़ो, काटेगा, आ जाओ। ये सारी जो वो हल्का सारा सरिया लगा, बाकी जो घोड़ी वो ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैंने भी घोड़ी को प्यार करना है, छोटा सा देखे, तभी जैसे अपना नाम रखा हुआ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हम भी डरते हैं, ये ना है किसी चीज से डरता, ना है कुछ ना कुछ, चाहे कोई सुंडी आ जाए कुछ। कल का उधर पानी से, परसों का उधर पानी से ऐसे बताया हुआ है कि गंडोयों को पकड़ के मारते, तो का इतने ज्यादा उसने नानबू के घर से पकड़ के मारे हैं, मारे हैं, मारे डरते नहीं हो अब, क्यों? कल का उधर पानी बताया हुआ है, आपकी मर्जी, कोई नहीं डरना, ये कुछ नहीं कहता, इनको मारो, चलो घोड़ी को प्यार करो। हां तो का सब से मारने लग पड़े थे, चलो छोड़ दो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, इसके टांगे मारी। इसी के साथ आज का व्लॉग भी करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मुझे दीजिए इजाज़त, आपका बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज।